नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से नाटक लेखन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के संबंध में, जिनमें शामिल हैं नाटक और अन्य विधाएं, नाटक और समय बंधन, नाटक के तत्व, नाटक में अस्वीकार, नाटक की शिल्प संरचना। इसके अलावा नाटक से जुड़े हुए और भी कई पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो लीजिए, पेश है आज का ये वीडियो। सबसे पहले नाटक का अर्थ क्या है। नाटक तो नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनेत किया जा सकता है। अब हम बात करें नाटक के तत्वों के संबंध में, तो नाटक की रचना में ये तत्व शामिल रहते हैं: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या हम कह सकते हैं कथोपकथन, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनयता यानी अभिनय। गद्य की अन्य विधाओं के साथ में नाटक की तुलना। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि से अलग है, विशिष्ट है, और उसकी इस विशिष्टता के कुछ कारण हैं, जिनमें पहला कारण ये है कि नाटक दृश्य काव्य विधा है और साथ में ये रंगमंच की भी एक विधा है जो बाकी विधाओं के साथ में लागू नहीं होता। नाटक को पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है। अन्य विधाओं को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सुनना और देखना ये सिर्फ और सिर्फ नाटक के साथ में ही जुड़ा है। नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है जो बाकी विधाओं में नहीं होता, और नाटक का संबंध दर्शकों से है जबकि बाकी विधाओं का संबंध पाठकों से है। ये मुख्य अंतर है गद्य की अन्य विधाओं के साथ में नाटक का। नाटक किस तरह से समय के बंधन में बंधा होता है, इस पर हम बात करें तो समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर आखिर तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है, यानी नाटक की समय अवधि पहले से तय होती है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, तो इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। और यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश यानी वे निर्देश जो उसको मंचित करने के लिए दिए जाते हैं, मंच पर खेलने के लिए दिए जाते हैं, वे निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर और वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। यानी अन्य जो विधाएं हैं साहित्य की, उन विधाओं में जो प्रस्तुतिकरण होता है वो उस काल विशेष के साथ में जुड़ा होता है, लेकिन नाटक में हम उसे अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में घटित होता हुआ देखते हैं। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं, यानी पॉज कर सकते हैं, और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक के साथ में ऐसा संभव नहीं है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना जरूरी है और इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। अब हम विचार करेंगे कि नाटक में शब्दों का क्या महत्व है। तो नाट्यशास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है,
नाट्यशास्त्र जिसकी रचना आचार्य भरत मुनि ने की थी, उसमें कहा गया है कि जो शब्द हम बोलते हैं वे नाटक का शरीर होते हैं। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं, और यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नरेटिव विधा कह दिया जाता है। और कविता इससे आगे है, इसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं न कविता के बारे में, और इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। वैसे कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। वहां वर्णन नहीं होता, वहां हम घटना देखते हैं, और इसी आधार पर कहा जाता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। निष्कर्षतः नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे। अपनी लेखनी में, अपने नाटक में वो संक्षिप्तता रखे, सांकेतिकता रखे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, और उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो, और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए, यानी वर्णन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम उन शब्दों के माध्यम से एक पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, एक पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। यानी कहानी और उपन्यास में जो बात 20-25 पृष्ठों में कही जाती है, वही नाटक का एक मौन कह देता है, अंधेरा कह देता है, और आवाजों का जो असर है, ध्वनि प्रभाव है, वो कह देता है। अब हम बात करते हैं नाटक में संवादों की भूमिका के बारे में। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद, डायलॉग। दूसरी किसी विधा के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना, यानी संवादों के बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है, और इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद भी जरूरी होता है। और यही कारण है कि भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार, इन सब की परिकल्पना शुरू से ही की गई थी। एक सशक्त नाटक के संवाद वर्णित या चित्रित नहीं होकर क्रियात्मक व दृश्यात्मक होते हैं, और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे व अनकहे संवादों की ओर ले जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा गया है, और जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होगी, वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए हेमलेट का वह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त नाटक का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। अगला बिंदु है नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, और कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच यानी नाटक या थिएटर प्रतिरोध का, विरोध का सबसे सशक्त माध्यम है।
वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। यथा स्थिति यानी जो बनी हुई स्थिति है और ऐसा लगता है कि जिसमें बदलाव संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति को नाटक स्वीकार नहीं कर सकता और इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता और जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। उदाहरण के लिए हम अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार, व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। वे नाटक ही सदैव याद किए जाते रहे जिन नाटकों में ये सारे तत्व, नकारात्मक तत्व, चाहे वो असंतुष्टि हो, छटपटाहट हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे अस्वीकार हो, ये सारे तत्व जिनमें मौजूद रहे, वही नाटक आगे चलकर सफल हुए। अब हम बात करते हैं नाटकों में चरित्र चित्रण पर, चरित्रों के विकास पर। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाए, वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हों। जिस प्रकार हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वह पहले से ही निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है और ऐसी स्थिति में नाटक नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। अतः संवाद जितने ज्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। यहां सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, कितने ही भारी भरकम भाषा काम में क्यों न ले ली गई हो, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में, उन तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में ये विशेषता देख सकते हैं। नाटक से जुड़ा अंतिम बिंदु है नाटक की शिल्प संरचना। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से, शिल्प यानी नाटक की बनावट, नाटक की बुनावट, अगर हम उस दृष्टि से देखें तो कई विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वप्न वासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय नाटक कहते हैं, यानी क्लासिकल ड्रामास। और नाटकों का जो दूसरा रूप है वो है लोक नाटक, जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से ही घटित होता है। और इसके अलावा पारसी नाटकों का भी अपना एक अलग शिल्प है, जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। और इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की भी अपनी एक अलग अहमियत है। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से
किसी एक तरह के शिल्प का चुनाव करे। वह शिल्प चाहे तो शास्त्रीय हो सकता है, या लोक आधारित हो सकता है, या पारसी नाटकों से प्रेरित हो सकता है, या अंतिम जो था नुक्कड़ नाटक वह भी हो सकता है। अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली भी वो तैयार कर सकता है, अथवा इन सब को छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर भी प्रस्तुत हो सकता है। ये नाटककार पर निर्भर करता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति नाटक लेखन के संबंध में। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ में आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।